गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी संस्कृत टीचर श्रीमती रेणु निगम। आज मैं आपको मात्राओं के बारे में बताने जा रही हूँ। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बिना मात्रा वाले संस्कृत में शब्द बताए थे, अब वही मात्राओं में मैं संस्कृत के कुछ शब्द बताऊंगी कि कैसे उसमें एक मात्रा लगती है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, व्यंजन वर्णों के स्थान स्वर वर्णों के उपयोग के लिए उनके चिन्ह बनाए गए हैं जिन्हें मात्रा कहते हैं। ध्यान रहे, आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है। और जो हमारे स्वर होते हैं, स्वर हमारे 11 होते हैं, लेकिन मात्राएं उसमें अगर हम ऐड कर देंगे अंग और आह की तो हमारे 13 हो जाएंगे। तो व्यंजन हमारे 33 होते हैं, वो भी कहाँ से, का से कबूतर से लेके हा से हल तक होते हैं। अब सबसे पहले हमारी मात्राएं, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, स्वर। छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए हम यहाँ पर बड़े आ का मात्रा बताएंगे। बड़े आ की मात्रा ऐसे लगती है, अब हम इसको प्रयोग करना बताएंगे। जा प्लस बड़े आ की मात्रा, तो कैसे पढ़ेंगे, जा। देखिए आप, जा पढ़ने पे पीछे आ की मात्रा निकल रही है, अब हमारे वर्ण बन जाएंगे जा। क्या बनेगा, जा। फिर अब जा से हमें कोई शब्द बनाना है तो क्या बना देंगे, अजा। क्या बना देंगे, अजा। अजा से, अजा क्या होती है वो भी मैं आपको बता दूं, संस्कृत में बकरी को अजा बोलते हैं। संस्कृत में शब्द में बकरी को अजा बोलते हैं। अब छोटी ई की मात्रा, अब छोटी ई की मात्रा ऐसे लगाते हैं, अब हम इसको प्रयोग करना बताते हैं। सा प्लस छोटी ई की मात्रा, सा प्लस छोटी ई की मात्रा, तो जब सा में छोटी ई की मात्रा लग जाएगी तो इसको कैसे पढ़ेंगे, सी। कैसे पढ़ेंगे, सी। अब शब्द बनाएंगे, अब सी से क्या शब्द बन सकता है, तो सी से हम क्या शब्द बनाएंगे, सिंह। क्या बनाएंगे, सिंह। क्या शब्द बनेगा, सिंह। सिंह माने क्या होता है, शेर। सिंह माने शेर, सिंह हो, सिंह हमारा हो गया संस्कृत शब्द और शेर हमारा हो गया हिंदी शब्द। अब बड़ी की मात्रा बताएंगे, ये बड़ी की मात्रा है जो स्वर में शामिल है, तो ये स्वर हमारा क्या है, बड़ी। अब बड़ी की मात्रा कैसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे। अब हम इसको प्रयोग करना बताएंगे आपको, द प्लस बड़ी की मात्रा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, दा में बड़ी की मात्रा इनको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, दी। क्या बनेगा, दी। अब ये हमारे वर्ण हो गए, अब हमारा शब्द क्या बनेगा, दीप। दीप मतलब दीप, दीप मतलब दीप, तो हमारा क्या शब्द बना, संस्कृत में दीपा और हिंदी में हमारा क्या बन गया, दीप। अब छोटे ऊ की स्वर में छोटा ऊ और छोटे ऊ की मात्रा ऐसे होती है, यह हमारी मात्रा हो गई। अब हम इसको प्रयोग करेंगे, श श प्लस छोटे ऊ की मात्रा, तो देखिए ये वाला श पढ़ने के लिए कैसे पढ़ना होता है, श टंग को ऊपर से मतलब अपने तालू से टच करेंगे तो कैसे निकलेगी, मुझसे एक सीटी टाइप की निकलेगी, तो क्या निकलेगा, श। देखिए एक हवा भी निकल रही है, अब इसमें छोटे ऊ की मात्रा लगा दी तो क्या बन गया, शू। क्या बन गया, शू। अब हम इससे शब्द बनाएंगे, यहां पर हमने शब्द बनाया शुक्का। क्या शब्द बनाया, शुका। शुका मीन्स, शुका का मतलब क्या होता है, तोता। अब तो आप ये पहचान ही गए, शुका हमारा हो गया संस्कृत शब्द और तोता हो गया हमारा हिंदी शब्द। अब मैं इसके बाद अब आपको बताऊंगी, अब आप क्या पढ़ेंगे, अब बड़े ऊ की मात्रा। अब ये बड़ा ऊ हो गया हमारा स्वर
और बड़े उ की मात्रा कैसे लगाते हैं? ऐसे लगाते हैं। अब हमें इसका प्रयोग करना है स प्लस बड़े उ की मात्रा। अब हम इसे स और बड़े उ की मात्रा बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा वर्ण, तो स और बड़े उ की मात्रा तो क्या बन जाएगा? सु। क्या बन जाएगा? सु। अब इसमें हम शब्द क्या बनाएंगे? सूर्य। क्या शब्द बनाएंगे? सूर्य। सूर्य मतलब सूरज। क्या बन गया? सूरज। अब इसके बाद हमने कौन सी स्वर बताएंगे? ऋषे ऋषि का स्वर। ऋषे ऋषि का स्वर। ऋ से ऋषि में की मात्रा कैसे होती है? ऐसे होती है, जैसे एक हाफ सर्कल सी का बना दिया जाता है, एक हाफ सर्कल बना दिया। अब हमारा प्रयोग है न प्लस री की मात्रा। अब इसको हमने वर्ण बताया बनाया, तो ना में री की मात्रा लगा दी तो क्या बोलेंगे? नृ। क्या बोलेंगे? नृ। अब इससे हम एक शब्द बनाएंगे नृपा। क्या शब्द बनाएंगे? नृपा। तो नृपा क्या हो गया हमारा? राजा। क्या हो गया? राजा। नृपा हो गया हमारा संस्कृत शब्द और राजा हो गया हमारा हिंदी शब्द। अब इसके बाद स्वर में हम आपको बताएंगे ए की मात्रा। किसकी मात्रा? ए की मात्रा। अब ए की मात्रा में ये हमारी हो गई ए की मात्रा। अब इससे हमने क्या बनाया? प्रयोग किया धा प्लस ए की मात्रा, तो वर्ण हमारा क्या बन जाएगा? धे। तो देखिए धा धे बोलने में ए निकल रहा है, तो क्या बन गया? धे। अब इससे हम क्या शब्द बनाएंगे? धेनु। क्या बताएंगे? बनाएंगे धेनु। क्या बनाएंगे? धेनु। अब धेनु कौन होता है? गाय। गाय को क्या बोलते हैं? धेनु। अब इसके आगे हमारी ए की मात्रा। अब ए की मात्रा देखिए कैसे लगती है, ये हमारी हो गई ए की मात्रा। अब इससे हम शब्द बनाएंगे, सॉरी प्रयोग करेंगे इसको। अब इसमें श, तो जैसे इस श के बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे बोलते हैं, ए की मात्रा लगा दी। अब बराबर हमारा क्या हो गया? शैल। क्या हो गया? शैल। अब यहाँ पर शब्द बनाएंगे शैलम। क्या बनाएंगे? शैलम। अब शैलम से हमारा क्या बनता है? पर्वत। क्या बनेगा? पर्वत। अब इसके आगे ओ की मात्रा। अब ओ की मात्रा बताएंगे ओ। ये हो गया हमारा ओ। हमारा क्या हो गया? स्वर हो गया। मात्रा हो गई ये, मात्रा हो गई ये। अब हमारा प्रयोग क्या है? मात्रा हो गई ये। अब हमारा प्रयोग क्या है? प्रयोग हो गया पा प्लस ओ की मात्रा। अब पा और ओ की मात्रा मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? पो। क्या हो जाएगा? पो। अब इससे हम शब्द बनाएंगे कपोतः। कपोतः। कपोतः को क्या बोलते हैं? कबूतर। अब स्वर में हमारा क्या है? औ की मात्रा। अब स्वर हमारा हो गया औ, और औ की मात्रा कैसे लगाएंगे? ये हो गई हमारी औ की मात्रा। अब इसको हम कैसे प्रयोग करेंगे? न प्लस औ की मात्रा, तो क्या बन जाएगा? नौ। क्या बनेगा? नौ। देखिए पीछे नौ बोलने में औ की मात्रा निकल रही है, नौ। अब इससे हमारा क्या शब्द बनेगा? नौ कहा। क्या बनेगा? नौ कहा। नौ का मतलब नाव।
अंक की मात्रा कैसे लगती है? एक बिंदी टाइप की लग जाती है, जिसे हम लोग इंग्लिश में डॉट भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये अंक की मात्रा है, अब इसका हम प्रयोग करेंगे ह, ह प्लस अंक की मात्रा, ह प्लस अंक की मात्रा। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? हम। कैसे पढ़ेंगे? हम, क्योंकि देखिए पीछे हा पढ़ने पे हमने क्या निकल रहा है, हम। अब इसे हम शब्द बनाएंगे, हंसा। क्या बनेगा? हंसा। तो इसको क्या बोलते हैं? हंस। हंसा मतलब हंस। अब आ की मात्रा देखिए कैसे होती है, ये हो गई हमारी आ की मात्रा, किसी शब्द के पीछे दो डॉट लग जाती है ऊपर नीचे। अब प्रयोग करेंगे जा प्लस आ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा? जा। क्या बन जाएगा? जा। प्रयोग वर्ण हमारा क्या बन जाएगा? जा। अब इसी से हम शब्द बनाएंगे ग जा, ग जा, ग जा मतलब हाथी, गजा मतलब हाथी। तो बच्चों आपको समझ में आया संस्कृत में मात्राओं को कैसे पढ़ा जाता है, तो आप इसको पढ़िए। थैंक यू सो मच।